दोस्तों अनुपमा सीरियल में रूपाली गांगुली की मां का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस माधवी गोगटे का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कोरोना हुआ था। 21 नवंबर को मुंबई के सेवेन हिल्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। माधवी को सीरियल कहीं तो होगा के लिए भी जाना जाता है। रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज पोस्ट करके उनको श्रद्धांजलि दी। माधवी की उम्र 58 साल थी। उनकी दोस्त नीलू कोहली ने भी माधवी के लिए इमोशनल मैसेज शेयर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के बाद माधवी की हालत गंभीर थी। रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, बहुत कुछ अनकहा रह गया। संगदित माधवी जी, माधवी ने अनुपमा सीरियल में पहले अनुपमा की मां का रोल निभाया था, बाद में उनकी जगह सविता प्रभुने को ले लिया गया। माधवी की दोस्त नीलू कोहली ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, माधवी गोगटे, मेरी प्यारी दोस्त, यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमें छोड़कर चली गई। दिल टूट गया है, तुम्हारी अभी जाने की उम्र नहीं थी। डम कोविड, काश जब तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो मैंने फ़ोन उठाकर तुमसे बात कर ली होती। अब बस मैं पछता ही सकती हूँ। माधवी को एकता कपूर के सीरियल कहीं तो होगा में सुजल की माँ के रोल से लोकप्रियता मिली थी। वह कोई अपना सा कहीं तो होगा ऐसा कभी सोचा ना था, जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी थी। तो दोस्तों अपने फेवरेट एक्ट्रेस के लिए कमेंट में RIP लिखना ना भूलें।